ये जो आलू चने विद लेमन और राइट पे ये जो बॉटल रखी हुई है, इसके अंदर एक खट्टा शरबत होता है जब ये ग्लास में डाल के देते हैं और उसमें इतना सारा शरबत डाल देते हैं। ये पाकिस्तान में हर जगह जहाँ भी कोई पार्क है या कोई भी वो है क्या नाम है हिस्टोरिकल प्लेस, वहाँ पे जो है ना ये ज़रूर मिल रहा होता है। तो ये इसकी क्या वजह है, हर जगह क्यों मिल रहा होता है ये सवाल। दोस्तों यहाँ पे इस झील में अब बोट्स भी चलना शुरू हो गई हैं और बोट पे बैठ के मज़ा बहुत आता है, लेकिन हम नहीं बैठ रहे क्योंकि मियाँ को बहुत डर लगता है, तो इसलिए हम चलते हैं नीचे की जाने। हिरन मीनार, जो कि शेखुपुरा में एक मीनार बनाया था शेखू यानी कि शहजादा सलीम ने अपने एक हिरन के याद में, जिस जो कि बीमार होके वहाँ पे मर गया था। तो हम वहाँ पे चलते हैं और आपको वहाँ पे जाके बाकी डिटेल्स बताते हैं। और शेखुपुरा जो है वो अब लेफ़्ट साइड पे आएगा इस साइड पे, तो चलिए चलते हैं अपने नए सफ़र की तरफ। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं हिरन मीनार पे और यहाँ पे एक मैसेज है जो कि मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए, कौमी विरसे की हिफाज़त और सफाई हमारी ज़िम्मेदारी है। तो यहाँ से मियाँ पहले लेने गए हैं टिकट और टिकट लेके फिर हम अंदर चलेंगे। और टिकट कितने का है अब ये मुझे नहीं पता, अभी मैं मियाँ से पूछ के आप लोगों को बताती हूँ। ये एंट्रेंस है ये जी। हम एक बार फिर गोल्फ कार्ट में बैठ गए और गोल्फ कार्ट में उल्लाह बहुत तेज़ चला रहे हैं और झटके भी लग रहे हैं मुझे, लेकिन ये कि गोल्फ कार्ट में इसलिए आसानी होती है कि नॉर्मली ऐसी तमाम जगहों पर जो है वो पार्किंग और जो मॉन्यूमेंट होता है, एक्चुअली ये एक रेस्ट हाउस भी बनाया हुआ है इन्होंने यहाँ पे, इनका टूरिज़म डिपार्टमेंट वालों का, सुना है यहाँ बुकिंग करके आप आ सकते हैं, प्री बुकिंग पर अवेलेबल होता है, रूम्स बने हुए हैं और वॉशरूम वगैरह हैं इधर। अच्छा मैं ये कह रहा था ऐसी जगहों पे नॉर्मली पार्किंग और जो मेन बिल्डिंग या मॉन्यूमेंट होता है या हिस्टोरिकल प्लेस होती है वो इतना दूर होता है, पता नहीं इसकी लैंड प्लानिंग या डिज़ाइन में क्या होता है कि ये इसको ऐसा बनाया जाता है कि फिर उसके बाद गोल्फ कार्ट चलानी पड़ती है। खैर मुझे तो बहुत मज़ा आता है गोल्फ कार्ट में बैठने में, लेकिन अगर आपके साथ फैमिली है, ज़्यादा लोग हैं, तो पर हेड 50 रुपीज़ ये ले रहे हैं। टेक्सला में वहाँ पे हड़प्पा में जो है इन्होंने हमसे 100 रुपये लिए थे पर हेड, यहाँ पे 50 रुपये। लेकिन फिर भी अगर 6-7-8 लोग हैं आपके साथ तो फिर आपका अमाउंट अच्छा खासा बन जाता है। मेन इमारत है जहाँ पे हमें लेकर आए हो, पीछे अगर आपको अभी दिख रही हो और वहाँ तक शायद लेके जाएंगे मीनार हमारे। अब जब हम जहाँ ये देखें, ये हर जगह स्टॉल लगाने ज़रूरी होते हैं पाकिस्तान में, क्योंकि लेस के चिप्स खाना हमारा कौमी फरीज़ है और कोल्ड ड्रिंक पीना कौमी फरीज़ है, इसलिए ज़रूरी है। तो हमने पेमेंट कर दी थी और अब हम उतर गए हैं उस जगह पे जो कि मेन हिरन मीनार की इमारत है, इस मॉन्यूमेंट की। और ये वो पॉइंट है जहाँ पे अक्सर आपने शूट में कमर्शियल्स में देखी होगी ये जगह, यहाँ बहुत दिखाते हैं लॉन के कमर्शियल्स वगैरह और दीगर बहुत सारे PVCs के अंदर ये जगह मैंने देखी है ख़ुद। अच्छा अब मैं इसके बिल्कुल 180 डिग्री पे आया हूँ और 180 डिग्री पे जिस जगह मैं अब खड़ा हूँ यहाँ से अगर आप देखें तो ये है हिरन मीनार, जो कि डिज़ाइन वाइज मुझे तो खैर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे यहाँ नॉर्मली जो डिज़ाइन बहुत डेकोरेटिव नहीं होते उनको बड़ा सिंपल और वो सब, जैसे कुतुब मीनार जो दिल्ली में है उस पे का डिज़ाइन बहुत खूबसूरत है उसको, मतलब समझ ले ये बहुत सादा डिज़ाइन है लेकिन मेरे हिसाब से ये भी एक आर्किटेक्चरल ब्यूटी है। ये मैं फंबल इसलिए हो गया था कि गोल्फ कार्ट वाले भाई टक्कर मार रहे थे मुझे, तो मैं अब आगे हो गया हूँ ताकि ये देख सकें हम इस मीनार को। अच्छा ये कुछ ज़ाहिर आइडिया यहाँ कुछ पहले से बना होगा जो अब एग्जिस्ट नहीं करता या इतना ही रह गया, क्योंकि ये पीछे एक नज़र आ रही है दीवार जो कि राइट साइड पर है और लेफ्ट पर नहीं है, और ये नीचे पेडेस्टल एक बड़े डिफरेंट शेप के बने हुए, ये वो सीढ़ियाँ जो कि शायद बाद में बनी हुई हैं मुझे लग रहा है,
रिपेयर हुई हैं एक्चुअली, और फिर ये ऊपर इसमें पता नहीं कितनी सीढ़ियां जहां से आप बिल्कुल टॉप पे पहुंच सकते हैं। अच्छा दोस्तों, इस हिरन मीनार की स्टोरी जो कि मैंने पढ़ी और सुनी वो ये है कि जहांगीर जो था शहजादा सलीम, उसका एक हिरन था, वो उसको बहुत पसंद था और उस हिरन का नाम था मानसी, जिस मानसी राज। तो दोस्तों उस हिरन का एक समझ लें आप एक स्कल्पचर भी बना हुआ है, वो नहीं होगा ऑब्वियसली, लेकिन उस जैसा ही कोई उसका रिश्तेदार उसका रिश्तेदार ही होगा कोई। अच्छा खैर, मैं आपको बता रही थी कि वो जो हिरन था, तो वो उसका हिरन जब मर गया तो शेखू जो था यानी कि शहजादा सलीम, वो बहुत ज़्यादा दुखी हुआ। लेकिन अजीब बात यह, दुखी होने के फौरन बाद उसने ये हिरन मीनार नहीं बनवाया। और हिरन मीनार बना कब? वो जब बना, जब 13 साल उसकी डेथ को गुजर चुके थे। अच्छा दोस्तों, इसकी कब्र भी कहते हैं कि इसी किसी एक जगह पे यहीं पे ही है हिरन की। और लेकिन इस मीनार को बनाने का मकसद मानसी राज की कब्र बनाने का या उसकी याद में ये मीनार बनाने का मकसद कुछ और था, क्योंकि शेखुपुरा जो है शहर या तहसील, ये मुग़लों के ज़माने में बहुत अहमियत की हामिल थी और ये यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ से गुज़रते थे, कारवान गुज़रते थे। फिर इसके करीब एक जंगल भी है जहाँ पे जो वो होते थे, कौन होते थे वो फाइटर्स, फ्रीडम फाइटर्स और रिबेल्स आके छुपते थे। दुल्ला भट्टी भी यहीं का है जिसने न सिर्फ अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग लड़ी, अकबर के खिलाफ, मुग़लों के खिलाफ जंग लड़ी और भी उसको फांसी दी गई। तो इस हिसाब से ये जगह बहुत अहमियत की हामिल थी। और मेरे ख़्याल में ये मीनार जो है ये एक हिफाजत के लिए बनाया गया था या आने जाने वाले लोगों के ऊपर नज़र रखने के लिए बनाया गया था इसको। और दोस्तों इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है जी, जहांगीर ने इसकी बुनियाद रखी थी और ये शाही शिकारगाह थी। दोस्तों ये जो है, ये पीछे जो आपको नज़र आ रही है, ये इसकी शिकारगाह है जिसके 12 दरवाजे हैं, 8 हश पहलवी है बेसिकली, लेकिन ये 8 दरवाजे हैं, 8 दरवाजे हश पहलवी है ना, 8 साइड पे मेहराब है इसकी। मैं ये असल में उधर से हम आते ना तो चले आए, वो पहले डिटेल थोड़ी सी पढ़ भी लें, हम भी पढ़ लें। मैं बताया था ये एक्चुअली जो इन्होंने पूरी यहाँ पे लिखी है ना, हिस्ट्री लिखी है, ये 12 दरी तालाब है इसका नाम। हिरन मीनार के मशरकी सिर में एक वसी और अजीज तालाब तामीर किया गया, जो हमने भी आपको तालाब दिखाया। ये जो जहांगीरपुरा है जिसको आप शेखुपुरा कहते हैं, ये जहांगीर ने आबाद किया था, इसकी बुनियाद जहांगीर ने रखी थी, और जो कि 1605 से शुरू हुआ शहर तामीर होना और 1627 तक, और इसको शिकारगाह की हैसियत हासिल थी इस इलाके को, बेसिकली शेखुपुरा शहर को नहीं, इस इलाके को। दोस्तों ये देखिए, इसका एक मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ, तो अब आगे की जानिब चलते हैं और फिर देखते हैं कि अंदर क्या हो रहा है वहाँ पे। चलिए दोस्तों यहाँ पे आ जाते हैं। अब जाहिर है कि ये जो पूरी इमारत है, ये एरिया पूरा यहाँ तक का अगर आप देखें, ये सारे पे टाइल वाली है, उसी ज़माने की बनाई हुई है, जहांगीर के ज़माने की, यानी जहांगीर का ज़माना अकबर का फौरन बाद है। तो जो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है इसका और जो टेक्निक है बनाने की, वाटर लेवल को मेनटेन करना, डेफिनेटली इतना पानी सोर्स करने की कोई उस ज़माने में तो तरीका था नहीं, तो सोर्स करने का तरीका यही था कि बारिश का पानी स्टोर किया जाए, तो वही पानी स्टोर करके काम चलाते थे। उस वक्त बारिशें भी ज़्यादा होती होंगी डेफिनेटली, लेकिन जो डिज़ाइन है बिल्डिंग का, वो के बहुत ज़्यादा अच्छी हालत में नहीं है। वजह इसकी है कि इसमें पानी भरा रहा और पानी कभी पानी निकाला नहीं गया, कभी किसी ज़माने में निकाला गया होगा पानी, लेकिन ये नीचे मेहराब है, ये वो ब्रिज है जो सामने वाले, वो जो हश्ट पहलवी 12 दरवाज़ों वाला या 8 दरवाज़ों वाला जो भी उसका हुआ है, उस तक जाती है जगह, और उसके नीचे भी पानी जाने की जगह, इतने सालों से, कई सौ साल से पानी के बावजूद ये इमारत मौजूद है। तो इसका मतलब है कि ये आर्किटेक्चरल एक मिरेकल ही है,
और डिज़ाइन वाइज भी एक बहुत खूबसूरत जगह, स्टैटिकली भी बहुत खूबसूरत जगह। मैं क्या ये रहा था, बात ये थी कि ऐसी जगहें जो होती हैं, जैसे ये है, हालांकि छोटी जगह नहीं है, लेकिन कंपैरेटिवली के बादशाही मस्जिद या मस्जिद वज़ीर ख़ान या शाही किला लाहौर या दीगर जो बड़ी इमारतें मुग़लों की बनाई हुई, उनके हिसाब से ये जगह इतनी बड़ी नहीं है। और लेकिन आप लोग जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, उनसे मैं कहूँगा कि इस जगह को पिकनिक स्पॉट तो ज़ाहिर समझ ही रहे हैं लोग, और आ ही रहे हैं, बोट में बैठ रहे हैं, भर भर के जा रहे हैं, और यहाँ पे चिप्स भी, चीज़ें खाने पीने की फेंकते हैं, गंदगी पड़ी भी हर जगह, तो वो डिपार्टमेंट अपनी जगह जो भी करता है वो करे। और आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप जो है ना इसको जगह पे कम से कम कचरा ना फेंकें, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इस जगह को माजी में जाने के लिए, क्योंकि हमारी शहरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा जो है ना ऑक्यूपाइड है, बहुत बिजी है, हम लोग हर वक्त किसी न किसी चीज़ में फंसे रहते हैं, आना जाना, पढ़ाई, बच्चे भी मसरूफ़ हैं, बड़े भी मसरूफ़ हैं, ये वो ब्रेक है, ये जगह जो है आना, यहाँ विज़िट करना वो ब्रेक है, जो आप आज के तेज़ रफ्तार माहौल से निकल के माजी में झांक सकते हैं, और इस जगह को देख के, इस जगह को फील करके आप बहुत कुछ ऐसा महसूस कर सकते हैं जो आपको आपके रूटीन की लाइफ से ब्रेक कर देगा, बेसिकली ये कहना चाह रहा था। और दोस्तों ये देखिए, ये बत्तखें यहाँ पे पता नहीं धूप क्यों सेक रही हैं, हालांकि गर्मी हो गई है, इनको शायद किसी ने बताया नहीं, ये अभी ये संबात ले रही है शायद। तो चलिए दोस्तों नीचे की तरफ चलते हैं और दिखाते हैं आपको नीचे से भी इसका व्यू। दोस्तों ये जो हिरन मीनार है, इसमें आपको होल्स नज़र आ रहे होंगे, ये इस मकसद के लिए बनाए गए थे कि चारों तरफ से एक तो नज़र रखी जाए कि शहर के अंदर कौन दाखिल हो रहा है, यहाँ मुहाफ़िज़ बैठते थे और यहाँ से तीर मारे जा सकते थे इनके अंदर से। और ये जो खिड़कियाँ आपको नज़र आ रही हैं, ये यहाँ पे मेरे ख़्याल से हवा की गुजरगाह होगी। और वैसे यहाँ ज़्यादा तीर यानी सिक्योरिटी से ज़्यादा ना विजिलेंस का ये पर्पज़ है इसका, यानी नज़र रखना। और फिर नज़र रखने का तरीका ये होता था कि आप इतनी ऊपर बैठे हैं और बहुत दूर से, जैसे घोड़ों की, घोड़ों पे आते थे ना उस ज़माने में लोग, किसी जानवर, मैंने तो ये पढ़ा कि इनके मुहाफ़िज़ीन की नज़रें इतनी तेज थी कि वो जिस सिम से लोग आ रहे होते थे वो फौरन हर साइड देख सकते थे, वो फौरन नोटिस कर लेते थे और फिर भाग के आके इतला देते कि इस तरफ से कोई आ रहा है। और उसके तरीका की आवाज तो नहीं आती ना, दुश्मन हमला या किसी गैर मामूली हरकत को नोटिस करने का तरीका ये कि नॉर्मली एक तो दिन में होती थी ये मूवमेंट, तो घोड़े आ रहे होते थे उससे मिट्टी उड़ती थी, ये मिट्टी चेक करते थे दूर से कहीं से मिट्टी तो नहीं उड़ रही, और फिर ये आके नीचे बता देते थे, फिर जो नीचे फौज तैयार खड़ी होती थी वो उस तरफ फिर पेशकदमी करती थी। ये बेसिकली इसका पर्पस विजिलेंस था, यहाँ से तीर मारने का कोई सवाल नहीं है ना, सारा एरिया इनके करीब में था, मतलब ये तो इनके अपनी दस्तरस में था ना। दोस्तों ये है जहांगीर के प्यारे हिरन की एक कब्र, जो कि मंसराज की, जो कि अब बंद कर दी गई है क्योंकि यहाँ पे आके लोग शायद फातिहा वगैरह पढ़ना शुरू हो गए थे, तो ये अब बंद कर दी गई है। तो इसके ऊपरी हिस्सा मुझे लग रहा है कुछ डिस्ट्रॉय हो गया है, तो ये बिल्कुल हिरन मीनार के समझ लें आप राइट साइड पे, नीचे की साइड पे ये हिरन की कब्र है। मैं आपको यहाँ से एक व्यू दिखा रही हूँ, वो जगह जहाँ बादशाह बैठता था, और ये इसकी एंट्रेंस है, मेन एंट्रेंस, जो कि मैं आपको इसकी बैक साइड से दिखा रही हूँ। और ये है इसका मरकज़ी दरवाज़ा, जहाँ से वो बादशाह बारादरी में एक ब्रिज के ऊपर चढ़ के जाता था। और ये देखिए, ये देखें दोस्तों, यहाँ से पानी भी नज़र आ रहा है, और यहाँ से भी मेरा ख्याल है उतर के उस वक्त जा सकते होंगे। देखिए लेकिन हम नहीं जा रहे, चलिए फिर हम अंदर का दिखा देते हैं। ये हम यहाँ से आपको इस पर एक व्यू दिखा देते हैं, ये देखें, ये ऊपर इसकी छत, ये वो छोटा ब्रिज है, यहाँ से इस ब्रिज पे चल के पानी के दरमियान में जो
बीच में जो हश पहल की इमारत बनी हुई है ना, वहाँ तक जाता है। और ये मेरे ख्याल से ताकचे बने हुए हैं जो कि रोशनी करने के लिए बनाए गए हैं। इसमें भी सीढ़ियाँ लगी हुई, ग्रिल लगाई हुई है, इसमें भी ऊपर जाने की सीढ़ियाँ। हाँ, ये भी ऊपर जाने की, दोनों साइड लेफ्ट पे भी राइट पे भी। बहुत पतली सीढ़ियाँ लेकिन स्टेप मोटे हैं, सीढ़ियों की जगह पर है। इन पर भी ग्रिल लगा दी गई है। और ये एक ये पुल सा है और उससे गुजर के बादशाह आगे जाता होगा, और ये उसकी शिकारगाह है, यहाँ पर वो शिकार करता था। तो हम चलते हैं। मछलियों का शिकार करते हैं, शिकार पानी के अंदर शिकार। ये झील उसने बनवाई है मेरा ख्याल है, यही बात अभी हमने पढ़ी। इमारत के अंदर पानी भरा गया है ना, तो मैं वही कह रही हूँ। तो फिर यहाँ पे शिकार पहले ज़माने में होता होगा, झील बाद में बनी होगी शायद। ये पूरा इलाका शिकार जगह था, जंगल की, तो फिर यहाँ स्टे करता होगा। इन्होंने एक फार्म हाउस या रेस्ट हाउस बनाया था इस जगह पे, जो कि शिकारगाह वाला इलाका था। हालांकि वहाँ एक नालायक तरीन आदमी था जहांगीर, कि पूरी सुंदरबन और दीगर इतने बड़े बड़े जंगलात छोड़ के उसको यहाँ पे शिकारगाह बनानी थी। मतलब ये शिकारगाह वाली जगह थी नहीं एक्चुअली। अब पता नहीं क्यों ये कहा गया तारीख में, और क्या असल हकीकत क्या है ये सब नहीं मालूम। तो मैं लॉजिकली ये बात ठीक नहीं लग रही कि ये जगह शिकारगाह होगी। तो दोस्तों चलिए इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, और जाने से पहले आपसे कहूँगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और सफाई का ज़रूर ख्याल रखें। और अगर ये वॉल्ड सिटी के अंडर में आता है तो प्लीज़ ये सिर्फ स्पेशल लोगों के लिए नहीं खोलना चाहिए। इस पर बेशक आप पैसे ले लें, और लेकिन एंट्री पे उसके बाद ये परमिशन लेकर आप। हाँ, ये बहुत अजीब बात है, लोग भी अंदर पता नहीं क्या क्या लिखा। ये बहुत गलत बात है कि यहाँ पर सिर्फ ख़ास लोग ये इजाज़त लेके जा सकते हैं और बाकी लोग नहीं जा सकते। अगर ये तारीखी विरसा है तो ये सबके लिए है। अल्लाह हाफ़िज़।